बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका व्लॉगिंग बाय खदीजा में। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की है। इफ्तारी में जब आप इसको खाएंगे तो आपका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। चिकन लिया और उसको मैंने सिरके में धो के रख लिया था। अब ये मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो बिल्कुल ही फाइन पेस्ट लिया है। हम बनाएँगे फ्राइड चिकन। तो उसमें जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच दही डाले थे। दही बिल्कुल जो सही गाढ़ा वाला दही होगा वो आपने लेना है। खुश्क धनिया डाल दिया था, जितने भी मसाले हैं वो डालने हैं। गरम मसाला डाला थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर देनी है, और इसमें मैंने ऐड करना है टिक्का मसाला, जो कि आपके चिकन को बहुत ही टेस्टी कर देगा, बहुत ही मज़े का कर देगा। तो ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे जो मसाले हैं जो बना के इसमें मैंने डाले हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा नींबू डालना है, तकरीबन इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो नींबू के। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको क्या करना है कि जिसमें चिकन धो के रखा था उसमें ये डाल देना है, और उसको अच्छे से हाथों के साथ करना है, ताकि वो सारा मसाला जो है वो बोटियों के साथ लग जाए। ये देखिए, ये सारा इस पर डाल दिया है। अब इसको हाथों से मैंने मैरिनेट करके तो रख देना है। पहले तो अच्छे से इसको मैंने मलना है ना बोटियों को, ताकि वो सारा मसाला जो है वो इसके अंदर तक चला जाए। तो ये देखें, ये इस पर जो है वो मैंने बना के रख दिया। तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, और ये देखें 5 घंटे के बाद वो कैसे उसने हर चीज़ ने जो है वो अपना पानी छोड़ा है। अब इसको आ जाए हम फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ये देखें, और इसमें मैंने 3-4 बोटियां जो है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब इसमें तकरीबन जितनी भी हैं वो मैंने डाल देनी है। डीप फ्राई होगा, किसी को तो डीप फ्राई नहीं पसंद होता, लेकिन जिनके पास अब ओवन नहीं है वो डीप फ्राई ही करेंगे। और ये देखिएगा कि बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं यहाँ पर, और ये देखें ये बोटियाँ जो है वो कितनी ही मज़े की और कितनी अच्छी लग रही हैं यहाँ पर। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार में बनाइएगा, क्योंकि जायका जो है वो ख़राब हुआ होता है। तो जब ये एक चटपटी सी चीज़ खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।